ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मिशिगन में ट्रंप समर्थकों ने भारी हंगामा किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, काउंटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप के जो समर्थक थे उन्होंने प्रदर्शन किया है। चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो लगातार एक एक राज्य से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां ट्रंप के समर्थकों का यह कहना है कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। देखिए तस्वीर मिशिगन की आपको दिखा रहे तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप मिशिगन की देख रहे हैं, जहां ट्रंप के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, और वो खबर दरअसल ये है कि जो 50 राज्य हैं कुल यूएसए में, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, यानी किसकी जीत हुई है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। पेंसिल्वेनिया की हम बात कर रहे हैं जहां इलेक्टोरल वोट कुल 20 हैं और ट्रंप वहां आगे चल रहे हैं। काउंटिंग लगातार चल रही है, कुछ ही घंटों में पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो राज्यवार है वो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है। जॉर्जिया की अगर हम आपको बात बताएं तो इलेक्टोरल वोट की कुल संख्या यहां पे 16 है, 16 है और ट्रंप यहां से आगे चल रहे हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में इलेक्टोरल वोट है कुल 15 और फिलहाल यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। काउंटिंग लगातार चल रही है, अलग अलग राज्यों में कौन कितना आगे चल रहा है, कितने वोटों से, वो आपको बता रहे हैं। निवाडा की बात अगर करें तो कुल इलेक्टोरल वोट की संख्या यहां पर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल बाइडेन आगे चल रहे हैं। अलास्का में इलेक्टोरल वोट है 3 और आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहां से। तो ये यूएसए के अलग अलग राज्य हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब 10 और ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या है तस्वीर। कैलिफोर्निया की सबसे पहले बात अगर करें तो यहां कुल इलेक्टोरल वोट है 55, जिसमें बाइडेन जीत गए हैं, यानी कैलिफोर्निया से जो बाइडेन जीत चुके हैं। टेक्सास से ट्रंप जीते हैं, यहां कुल इलेक्टोरल वोट है 38 और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत हासिल की है टेक्सास में। आगे अगला राज्य कौन है, न्यूयॉर्क की अगर हम बात बताते हैं आपको तो यहां कुल इलेक्टोरल वोट है 29 यानी 29 और यहां जो बाइडेन जीत गए हैं। अब अगले राज्य का रुख करते हैं, इलिनॉयस में इलेक्टोरल वोट है कुल 20, यहां पर जो बाइडेन जीत चुके हैं। 10 राज्यों का ये हम आपको डेटा बता रहे हैं। अगर हम ओहियो की बात आपको बताएं तो 18 इलेक्टोरल वोट है यहां पर और यहां से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। एक एक करके ये राज्य हैं जिसने किसको चुना है वो हम आपको बता रहे हैं। मिशिगन में इलेक्टोरल वोट है 16 और मिशिगन से बाइडेन जीत गए हैं, जो बाइडेन यहां से जीत चुके हैं। न्यू जर्सी में भी बाइडेन जीत गए हैं, कुल यहां पर इलेक्टोरल वोट है 14 और जो बाइडेन ने न्यू जर्सी भी जीत लिया है। अभी भी तस्वीर कुछ हद तक क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 264 के बहुमत को अभी तक फिलहाल छुआ है, लेकिन कुल बहुमत है 270 यानी 6 अभी भी इलेक्टोरल वोट से दूर है जो बाइडेन। वर्जीनिया में इलेक्टोरल वोट है 13, जो बाइडेन यहां से जीत चुके हैं। 10 बड़े राज्य क्या कहते हैं, किसको चुना है उसने, ये आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन में कुल इलेक्टोरल वोट है 12, जो बाइडेन वॉशिंगटन से भी जीत चुके हैं। एक एक करके उन राज्यों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर कौन आगे पहुंच गया यानी किसने जीत हासिल कर ली है। वॉशिंगटन में कुल इलेक्टोरल वोट है 12, जो बाइडेन जीत गए यहां से। ट्रंप ने कौन से राज्य जीते वो भी हमने आपको बताया था, ये एरिजोना इलेक्टोरल वोट है यहां पर 11 और जो बाइडेन ने एरिजोना भी जीत लिया है। एक बार फिर से आपको इस बीच बता दें कि 270 है बहुमत का आंकड़ा, जिसमें 264 पर फिलहाल है जो बाइडेन, यानी 6 इलेक्टोरल वोट अभी भी वो दूर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।